आप क्यों जाग रही हैं अब तक? आप सोई क्यों नहीं? ऐसे ही फूलों से बात करने का जी कर रहा था, इसीलिए अब तक जगे थे। चलिए बहुत रात हो चुकी है, चलिए आइए सो जाइए। ठीक है, हम सो जाते हैं और आप भी सो जाइएगा। नहीं नहीं, आप रात भर ना राजनीतिक मंत्रणा के बारे में सोचते रहना, ठीक है? अजब दे, क्या बात है, सब ठीक है ना? पता नहीं, हमें ऐसा लगा जैसे खिड़की पर कोई तो था, पर हमने अब खिड़की बंद कर दी है। आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। अकबर जी, कुंवर जी, मुझे क्या कह रहा है जी ने? आपको अपमानित किया ना, इसलिए हम आपको रोकने का प्रयास कर रहे थे। अपना एक पैर ऊपर कीजिए। कुंवर जी, हम तो बस, हमने कहा अपना एक पैर ऊपर कीजिए। जी, और ऊपर जी। अब आप पूरी रात इसी स्थान पे ऐसे ही खड़े रहेंगे, और याद रखिए धमन सिंह जी, आज के बाद हमें बिना मांगे कोई सलामत दीजिएगा, और ये पैर पूरी रात नीचे नहीं आना चाहिए, समझ गए? कुंवर जी, कुंवर जी, सारी रात सोते सोते बितानी पड़ी है। जब तक अजब दे, अजब दे, लगता है वो जग गए। हमें तैयार होना है दरबार जाने के लिए। हम आपकी कुछ सहायता कर दे, आपके लिए स्नान का जल आदि? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। छोटी माँ, हमें रात सोते सोते नहीं, जगते जगते ही बितानी पड़ी। हम कुंवर प्रताप के लिए स्नान की व्यवस्था कर कर आते हैं।
अजब दे, इतने साधारण नित्य कर्म को भी आप इतना कलात्मक और पता नहीं क्या क्या बना रही। हम आपके हर दिन को एक अनूठा अनुभव ही तो बनाने आए हैं यहाँ पर। पीछे कुंवर प्रताप, आपके स्नान के लिए लेप तैयार है। ये विशेष रूप से उन राजकुमारों के तनाव को मुक्त करने के लिए है जो अपने राजनीतिक चिंताओं के कारण रात भर अपने कक्ष में बिना नींद के दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूमते रहते। और उन पत्नियों का क्या जो रात भर इस चिंता में डूबी रहती है कि उनके पति क्यों और किस चिंता में, क्या मैं उन्हें भी लाभ होता है इस जड़ी बूटी के लेप से? अजब, आपको दरबार के लिए देरी हो रही होगी। तैयार होना है, दरबार जाना। कुंवर प्रताप, बात एक हर स्तर पे हराती जा रही है वे। इस तरह से इस महल में किसी ने हमसे बात नहीं की है, जयवंता जी जाने भी नहीं। और ये कल की आई है जबते, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पता है, कल सभी दरबारियों और अतिथियों के सामने दाजी राज ने दादा भाई की नहीं हमारी सलाह मानी है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ रानी माँ, सलाह ही नहीं मानी, हमें तो लगता है कि उन्हें हमारी सलाह पसंद भी आई। सच कह रहे हो? एक लिंची का कूटी कूटी धन्यवाद। बस रानी माँ, अब आप अपने भगवान को धन्यवाद करते करते थक जाएंगी, क्योंकि अब हम ताजी राज को और प्रभावित करने वाले हैं और शीघ्र ही उनके मन से कुंवर प्रताप का स्थान हटाकर स्वयं जमने वाले हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुंवर चकमा? वो दाजीराज, कल दरबार में आपसे बिना अनुमति लिए बोलने की दृष्टा के लिए हम आपसे क्षमा मांगने आए। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहिए। दाजीराज, हमें लगता है कि आप अपने शौर्य और साहस के साथ साथ अपनी राजनीतिक समझ बूझ के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। कुंवर जगमाल, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि ग्वालियर नरेश को शरण देना कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं हो जाएगा? मतलब मुगल सेना कितनी शक्तिशाली है,
और अभी हमारा उनसे उलझना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि सब तो दादा भाई नहीं है ना जो आदर्शों के लिए अपने प्राण में निछावर कर दे। संभव है ऐसे कितने ही सैनिक होंगे जिनको मात्र आदर्शों के नाम पे इस युद्ध में सम्मिलित होके अपने प्राण गंवाना उचित ना लगे। धाजीराज, ग्वालियर नरेश को शरण देना, इससे कहीं हमारे सैनिकों के मन में असंतोष पैदा ना हो जाए। बस कुंवर जगमाल, राजनैतिक प्रश्नों को लेकर अपने मन ही मन में इतनी गहराई से सोचने का आपका यह प्रयास देखकर हमें अच्छा लग रहा है, अति उत्तम। लेकिन रहा प्रश्न इस विषय पर निर्णय लेने का, तो आप हम पर छोड़ दीजिए। हम सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, सबके हितों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेंगे। यही तो चाहते हैं हम दाजीराज, कि निर्णय चाहे जो भी हो लेकिन वो आप लें। ये नहीं होना चाहिए जो दादा भाई आपके लिए। बस जाइए। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आदरणीय ग्वालियर नरेश, रामशाह तनवर जी, जब आप जैसा वीर नरेश आपातकालीन स्थिति में विवश होकर राजनीतिक शरण मांगता है, तो मेवाड़ के लिए ही नहीं, किसी भी राज्य के लिए गौरव की बात होती है। किंतु हमारा मन, चाहे जितना भी आपको राजनीतिक शरण देने के लिए उतावला, मेवाड़ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम वर्तमान सामरिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का आंकलन करते हैं, तो आपको राजनीतिक शरण देने का हमारा यह निर्णय असंभव लगता है। लगता है प्रताप के साथ 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 हमारा भी आप पर थोड़ा बहुत अधिकार बनने लग गया है ताजी राज। राणा उदय सिंह जी, मेवाड़ के नरेश होने के नाते कोई भी निर्णय लेने से पहले आपका मेवाड़ के हित और मेवाड़ की सुरक्षा का ध्यान करना आप जैसे योग्य राजा को शोभा देता है और इसे हम स्वीकार करते हैं। राजनीति में परिस्थितियां देश काल और समय अनुसार बनती बिगड़ती रहती है, परंतु हम आशा करते हैं कि हमारी मित्रता की मिठास और विश्वास, ये दोनों चीजें कभी प्रभावित नहीं होंगी। अवश्य राणा जी, मैं धृष्टता क्षमा आपके निर्णय से सहमत नहीं। शरणागत को निराश करने का निर्णय मुगलों के सामने घुटने टेकने के बराबर फिर क्या अंतर है जाएगा। राजपूताने के अन्य राज्यों और चित्तौड़ भला हमें क्यों डरना चाहिए। अगर हमें किसी को पना देनी है तो हमें देनी चाहिए। कुंवर प्रताप, हम आपके हर तर्क से सहमत होते हुए भी आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हमने निर्णय सभी बातें सोच समझ कर विचार विमर्श करके लिया है, और हम आपसे भी यह आशा करते हैं कि आप हमारे इस निर्णय से सहमत हो। किंतु राणा जी, कुंवर प्रताप, हम निर्णय ले चुके हैं, इसलिए अब इस विषय पर कोई वाद विवाद नहीं। ग्वालियर नरेश रामशाह तनवर जी, हम सच्चे मन से आपके सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेवाड़ नरेश की जय हो। हुकुम, बैराम खान अपने कुछ सिपाहियों के साथ दुर्ग के द्वार पर महल में प्रवेश की आपसे अनुमति मांग रहा है। हुकुम, बैराम खान अपने कुछ सिपाहियों के साथ दुर्ग के द्वार पर महल में प्रवेश की आपसे अनुमति मांग रहा है।
क्या उसके साथ मुगल सेना भी है? नहीं हुकुम, उनके साथ कुछ उनके विश्वस्त सैनिक हैं। उन्हें हमारे सामने लाया जाए। इसका अर्थ है कि उसे पता चल गया कि हम यहाँ यहाँ। बोले नरेश, जब तक प्रताप सिंह यहाँ कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। जय एकलिंग जी। बोले नरेश, ओहो, तो यहां दुबके बैठे हैं जना। बिल्कुल सही निकला हमारा अंदाजा कि सारे राजपुताने में मेवाड़ ही एक ऐसी बहादुर रियासत है जो मुगलों के इस दुश्मन भगोड़े राजा को बना दे सकती है। राम शाह तनवर, बैरम खान, ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं। इसलिए जब तक हम ना जाएं, आप इनके निकट भी नहीं जा सकते। ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं। इसलिए जब तक हम ना जाएं, आप इनके निकट भी नहीं जा सकते। राणा उदय सिंह, आपके फर्जंद उम्र में तो यकीनन बड़े हो गए, मगर इनके मिजाज अभी भी वैसे ही बेखौफ और बेपरवाह है। लोहा चाहे जितना भी तप जाए, उसका आकार बदल बदल, उसकी प्रवृत्ति कदापि नहीं बदलती। राणा उदय सिंह, इस शख्स को पनाह देकर आपने जबरदस्त गलती कर ली। इतनी जबरदस्त गलती कि इसकी कीमत मेवाड़ की आने वाली कई नस्लों को चुकानी पड़ सकती है। आपको शायद इल्म ना हो, इसलिए बता रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत आज दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सल्तनत है, जिसकी अजमत और जाहो जलाल के आगे सारी दुनिया अदब और एहतराम से अपने सर झुकाती है। आपने मुगल सल्तनत के भगोड़े दुश्मन को पनाह देने की गलती की है, तो सोच लीजिए कि आपका क्या हश्र हो सकता है। हम मेवाड़ की हस्ती को इस हद तक मिटा कर रख देंगे कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए आपको मुगल शहंशाह के सामने सर झुका के घुटने टेक के ताउम्र मुगलिया सल्तनत की वफादारी के साथ खिदमत करने की बाअदब इजाजत मांगनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर कर आपके बचने की कोई सूरत निकल सकती है। बैरम खान, बुरी लग गई ना हमारी बात। हमारा एक मशवरा है आपको प्रताप,
क्या आप कभी अपने इस खित्ते से बाहर निकलकर दुनिया देख ले, जान ले कि आज आपके राजपूताने के राजपूतों को तो आदत पड़ चुकी है मुगलों की खिदमत करने की। बैरम खान, उदय सिंह। मुगल सल्तनत के एक भगोड़े दुश्मन को पनाह देने की जरूरत की है तो सोच लीजिए कि आपका हश्र क्या हो सकता है। हम मेवाड़ की हस्ती को इस हद तक मिटा कर रख देंगे कि अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए आपको मुगल शहंशाह के सामने सर झुकाकर घुटने टेक ताउम्र मुगलिया सल्तनत की वफादारी के साथ खिदमत करने की बाअदब इजाजत मांगनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर आपके बचने की कोई सूरत निकल सकती है। बैरम खान, उदय सिंह। आपको ये जानकर दुख होगा कि आपके आने से कुछ ही क्षण पहले हमने ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को राजनैतिक शरण देने से मना कर दिया था। और ये लोग यहां से बस जाने ही वाले थे। लीजिए, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहा हम दोनों के दरमियान। हम बिना आपका वक्त जाया किए इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार करते हैं और निकलते हैं यहां से। रुक जाइए बैरम खान। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अभी आपने हमारी पूरी बात सुनी ही कहां है। आपकी अपमानजनक बातें सुनने के बाद हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह, ग्वालियर नरेश और उनके पुत्र को पूरे सम्मान के साथ मेवाड़ का राजकीय मित्र घोषित करते हैं। इसलिए उनके प्रति किसी भी तरह का अपमान हम अपना अपमान समझेंगे। धन्यवाद राजा। और हम ये भूल जाएंगे बैरम खान कि आप अपने सैन्य अधिकारियों के साथ यहां पर युद्ध लड़ने नहीं अपितु राजकीय मंत्रणा के लिए आए। यदि आपने हमारे मित्र की ओर आंख उठाकर भी देखा तो रक्त की नदियां बह जाएंगी बैरम खान। बहुत बड़ी भूल की हमने कि हमने कुंवर प्रताप की बात नहीं मानी। लेकिन एक बात कहें बैरम खान, आज भी राणा उदय सिंह में अपनी भूल को स्वीकारने का साहस है और अपनी भूल को सुधारने का भी साहस है। देखिए राणा उदय सिंह, आप जाने और आपकी भूल जाने, पर हम किसी भी कीमत पर अपने इन कैदियों को यहां से लेकर ही जाएंगे, समझे आप?
सिपाहियों, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। एक बात याद रखना प्रताप, यह चित्तौड़ का किला राजपुताने की शान है ना, लेकिन बहुत जल्द चित्तौड़ के इस किले पर मुगलिया परचम लहराएगा। बैरम खान, खान जब तक प्रताप सिंह चित्तौड़ की दुर्ग पर खड़ा है, जितनी मुगल सेना लानी हो ले आने, सबको धूल चटा देगा, सबको सब। अब जाओ जाओ, तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं बचा, हमने कहा जाओ। पर मुलाकात जल्द होगी, कभी के दिन बड़े कभी की रात। हर छोटी मोटी बात पे क्यों जय जयकार करना शोभा देता है क्या वीरों को? और जगमाल नहीं दाजीराज, नहीं भाई, जगमाल ठीक कह रहे हैं, हमें भी आपके समक्ष अपनी जय जयकार अपनी प्रशंसा ठीक नहीं लगती, आज तक आपसे कह नहीं पाए। भाई जगमाल ने दर्पण दिखाने का साहस दिखाया है और वैसे भी अपनी प्रसन्नता में झूमने की अपेक्षा बैरम खान की चेतावनी पर ध्यान देते हुए संभावित मुगल संकट के लिए पूरे प्राणपण से सैनिक तैयारियों में जुट जाना चाहिए। हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे, दादा भाई तो है ही महान, सबको पता है, परंतु इस समय हमें अपने सामने खड़े संकट की तैयारी करनी चाहिए ना। कुंवर प्रताप जी, कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं आपके छोटे भाई, बहुत अच्छे कुंवर जगमाल, बहुत अच्छे। बिल्कुल दचे, आज बिल्कुल छोटी माँ चलिए ना शीघ्र, हमें बाकी अतिथियों का भी स्वागत करना है। वो सब तो हो जाएगा जब दे, पहले आप ये बताइए कि कुंवर प्रताप आपको समय तो दे रहे हैं ना। हाँ छोटी माँ, वे हमें पर्याप्त समय दे रहे हैं। तो फिर तो शीघ्र ही हमें शुभ समाचार मिलेगा आप दोनों से, है ना? नहीं नहीं,
अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम जानते थे हमें यही उत्तर मिलने वाला है आपसे, क्योंकि कुंवर प्रताप तो अपने राजकीय और शासकीय कार्य में व्यस्त रहते हैं, है ना? अगर राजकीय बीनी बड़ी आपकी भूमिका आप निभा चुकी हो तो हमारे साथ थोड़ा वक्त उद्यान में चलिए ना, बहुत सुंदर सा खरगोश देखा है हमने वहाँ। चलिए उदय सिंह जी, मेवाड़ के अतिथि सत्कार की बहुत प्रशंसा सुनी थी, आज उसे हम साक्षात देख रहे हैं। राम शाह जी, हमारा निवेदन है कि आप केवल देखे ही नहीं बल्कि इसका आनंद लें और अनुग्रहित करें। अवश्य। आराम कीजिए अपना भोजन। हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। सब लोग देख रहे हैं गौर चकमा, खा लीजिए। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है। भोजन तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है, वाह वाह बहुत अच्छे। एक बात बताएं आपको रामशाह जी, ये सारा भोजन हमारी भीनड़ी के निरीक्षण में बना। यही तो सच्चा सौभाग्य है राणा जी। बस आशीर्वाद है एकलिंग जी, उसी के आशीर्वाद से तो ये पारिवारिक सुख मिलता है। अब अपने कुंवर प्रताप जी का एक उदाहरण ले ले राणा जी, यदि कुंवर प्रताप जैसा शूरवीर और निर्भीक हमारा पुत्र होता तो मुगल तो ग्वालियर की तरफ आंख उठाने का साहस नहीं करते। सारा संसार कहता है कि राजा राम महान थे, लेकिन हम कहते हैं कि महान तो राजा दशरथ थे जिनके राम जी जैसा पुत्र था। धन्य है आप राणा जी कि आपका कुंवर प्रताप जैसा शूरवीर पुत्र है, और कुंवर प्रताप में तो सारे लक्षण है जो एक चक्रवर्ती राजा के होने चाहिए। ग्वालियर नरेश, बस अब आप हमें लज्जित कर रहे हैं। वैसे कुंवर प्रताप, आप इन्हीं को क्यों कह रहे हैं? हमारे दरबार में रावत जी से लेके द्वारपाल तक सबका यही विचार है। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर इन्हें राणा प्रताप सिंह बना दे। क्षमा चाहते हैं, पर हम तो वैसे ही कुंवर प्रताप को आपका उत्तराधिकारी बांधते हैं। राम शाह जी, हमारे सिंहासन के उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप होंगे, ये उतना ही स्पष्ट है। कितना सूरज चांद और तारे। एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की शीघ्रता सबसे ज्यादा किसको है आप जानते हैं? कुंवर प्रताप की रानी मां। क्यों धीर भाई जी, ठीक कहा ना हमने? जी राणा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए नहीं रुका जाता। पत्नी के लिए समय नहीं है आपके दादा भाई के पास। जब से हम यहाँ पर आए हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे अतिरिक्त संसार की सारी बातें उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। माना कि वे कुंवर प्रताप है और बहुत उत्तरदायित्व है उनके कंधों पे, परंतु ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि अपनी नव विवाहिता के लिए वो समय ही ना निकाल पाए। जबकि विशेष बात तो ये है कि उनके ही दाजीराज ने उनसे ये बात कही। यदि ये बात है तो उनकी अलमारी में रखे सारे उपहार हमें ले ही लेने चाहिए। कौन सी अलमारी? वही जिसमें सबसे छुपा के न जाने कब से आपके लिए भांति भांति के उपहार एकत्रित कर रहे थे। क्या? नहीं नहीं, आप बस हमारा मन रखने के लिए बातें बना रही है ना। लीजिए, जब आपको हमारी बात पर विश्वास ही नहीं है फिर तो पक्का हमें वो सारे उपहार ले ही लेने चाहिए। आप लेकर जाएंगे हमें उस अलमारी के पास? लेकर क्या जाना है, यही तो है आपके सामने ये अलमारी। आप तो इस अलमारी को ऐसे देख रहे हैं जैसे आपने पहले कभी देखी ही नहीं। बताया नहीं कभी दादा भाई ने आपको?
के देखिए ना, आपको स्वयं सब सच पता चल जाएगा। खोलिए ना। सच कहा था ना हमने, कितने प्यारे हैं ये सब। ये देखिए ये झुमके कितने सुंदर है, हम पर भी सुंदर लगेंगे, देखिए बहुत सुंदर है। और ये पायल देखिए, ये भी हम पर सुंदर लगेंगे ना। मान लाइए ना, ये कंगन देखिए। भाभी साहब ये सब आपका ही है। अच्छा हम किसी और समय आके ये सब ले जाएंगे। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। हृदयहीनता का, प्रेम भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब कुछ याद ना रखने का, जबकि सच ये है कि हमने हर दिन हर पल आपके बारे में ही सोचा है। कितने उपहार एकत्रित किए आपके दादा भाई ने, इतना स्नेह, इतना। हमारा प्रेम तो आपके इस मौन प्रेम के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ताला, चाबी, ताला, खजाना। जगमाल, आप लोगों ने कुंवर जगमाल को देखा? जानते हैं आप कुंवर जगमाल? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल।
आपके निर्णय से सहमत हूं। अगर हमें किसी को पनाह देनी है तो हमें देनी चाहिए। बाजीराज प्रताप की जय। बाजीराज प्रताप की जय। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्य अभिषेक कर राणा प्रताप सिंह बना। कुंवर प्रताप के राज्य अभिषेक की शीघ्रता सबसे ज्यादा किसको है आप जानते हैं? कुंवर प्रताप की रानी मां। बिल्कुल सही कहा आपने। अब कुंवर प्रताप के राज्य अभिषेक के लिए नहीं रुका जाना चाहिए। इस तरह छिप छिप कर किसी की बातें नहीं सुनते, पूरी बात क्षमा मांगिए। आपने देखा कहीं कुंवर जगमाल को? कुंवर जगमाल, भला ये भी कोई बात हुई? हमारे आने के पहले ही सो गई आप। ये है पति का महत्व। ठीक है, ये है तो यही सही। पति का कोई महत्व ही नहीं प्रताप। ठीक है, जैसे कलांतर में कुंभकर्ण था वैसी हमारी पत्नी है। ठीक है, यही सोचकर सो जाएंगे। क्या नहीं ढूंढा हमने आपको? कुंवर जगमाल, हम जानते हैं कि भोजन के समय जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, परंतु हम क्या करते? हमारे लिए भी वो सब कुछ अप्रत्याशित था। कुंवर जगमाल, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा निर्णय। तो आप क्या आस लगाए बैठी थी कि आपके पति आपके पुत्र को युवराज घोषित कर दें? क्या है आपके हाथ में कुंवर जगमा? ये एक नया अस्त्र है, बंदूक कहते हैं इसे। अब
कम से कम कुछ नहीं तो मानसिक संतुष्ट तो देगा ही हमें। चोट लग जाएगी आपको कुंवर जगमाल। जितनी चोट आपने हमें पहुंचाई है ना रानी माँ, उतनी ये क्या पहुंचाएगी? हम कैसे चोट पहुंचाएंगे आपको कुंवर जगमाल? हम ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप अपने पुत्र से अधिक अपने पति को प्रेम करती हैं। ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं आप? सच बोल रहे हैं हम। आप जानती थी कि कुंवर प्रताप के रहते राणा उदय सिंह हमें कभी भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे, फिर भी आपने उन्हें जीवित रहने दिया। क्या किया आपने? हाँ क्या किया? वर्षों से ये विजय चूरण उनके पान में डालते आई आप, और वो भी थोड़ा थोड़ा, ये तो हम पूरा मुट्ठी भर के खा सकते हैं। सही कर रहे हैं हम, क्योंकि आप तो व्यर्थ में इधर उधर तीर चलाती रहती हैं, जबकि आपको करना ये चाहिए था कि सीधा ऊपर पहुंचा देना चाहिए था राणा उदय सिंह को, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किंतु आज हम समझ चुके हैं कि आप अपने पुत्र से ज्यादा उनसे प्रेम करती हैं, राणा उदय सिंह से। पागल हो गए आप कुंवर जग। हाँ पागल हो गए हम पागल, लेकिन हमें पागल बनाया किसने? आपने रानी माँ, आपने। कुंवर प्रताप की जय जयकार सुन के कान बन गए थे हमारे, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आप एक मन बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं, एक पति के पांव की जूती। कुंवर जगमाल, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस चमत्कारी अस्त्र जिसे बंदूक कहते हैं, इससे पूरे राज परिवार को खत्म कर देंगे। और जब कोई बचेगा ही नहीं तो फिर हमें तो बनना पड़ेगा ना मेवाड़ नरेश, क्योंकि मेवाड़ का राज सिंहासन तो रिक्त नहीं रह सकता ना। नहीं नहीं कुंवर चकमा, सही कह रहे हैं आप सबको मारना चाहते हैं ना राजमहल में, हम मार देंगे, परंतु एक एक करके ना, योजना बना के। नहीं 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 नहीं, अब कोई योजना नहीं, क्योंकि आपकी तो सारी योजना असफल होती है, इसीलिए अब हम पूरे राज परिवार को समाप्त करेंगे और आप भी हमें नहीं रोक सकती। अच्छा हम कुंभकर्ण। हाँ आप कुंभकर्ण। और आप कौन? ये किस समय अपने शयन कक्ष में आने का? आपको पता है हमने आपकी कितनी प्रतीक्षा की और आपने कुछ ही प्रयास के बाद हार भी मान ली, और क्या नाम दिया आपने हमें? वाह कुंभकर्ण। हमने कुछ पर प्रयास किया, हम तो कब से प्रयास कर रहे थे, पर आपकी निद्रा स्वांग जो है टूटने का नाम नहीं ले रही है, ये कौन सी बात हुई? अच्छा ऐसा कितना समय लगा दिया आपने हमें जगाने के लिए और स्वयं को ही पर्याप्त मान लिया आपने, जबकि आप कितना कितना समय देते अपने राजनीतिक मंत्रणाओं को, कितना कितना समय देते अपने शासकीय समस्याओं को। अगर आपके सेना में किसी सैनिक को कवच थोड़ा सा भी चुभ रहा हो ना, तो आप घंटों लगा देते उसके कवच को ठीक कराने में, और अपने पत्नी के लिए इतना सा धैर्य। अच्छा अच्छा ठीक है, आपकी बात समझ गए, अब हम आ गए ना, हम कहीं नहीं जा रहे, पूरा ध्यान पूरा समय बस आपके लिए। इसका भी पता चल जाएगा अभी, सारा समय सारा ध्यान बस आपका। हे भगवान मुगल। कहाँ है मुगल? सारा समय सारा ध्यान आपका, आपके वचन तो एकदम कच्चे निकले कुंवर प्रताप। अच्छा हम सही प्रयास कर रहे थे, छोड़ा आपको बिजोलिया वापस। क्यों? फिर से एक बार हमारे लिए उपहार एकत्रित करना आरंभ करना चाहते हैं? तो हमारे पूरे कक्ष की छानबीन की आपने? कक्ष की नहीं, आपके मन की, जहां से किसी की भावनाओं को आप बाहर नहीं जाने देते। इतना प्रेम भला कोई मन में कैसे छुपा सकता है? हमारे मन और कक्ष में छानबीन करने का अपराध किया है आपने, स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए उसका दंड।
जगमाल, हमने हमेशा आपका साथ दिया है ना, हर योजना में दिया है, तो फिर इस योजना में भी देंगे ना आपका साथ। नहीं रानी माँ, बस रानी माँ, आप किसी काम की नहीं है, बल्कि आपने तो हमेशा हमें सही करने से रोका है, इसलिए क्या कुछ? इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि क्या कुछ राजमरिया का मारने का शुभारंभ। सबको मार देंगे, ताजीराज, प्रताप, मान, जान, अजब्दे, राव, हमें मारेंगे आप, हम तो आपके सब कुछ है ना कुंवर चकमा। छल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों के साथ। यदि आपको लगता है कि हमने आपके साथ छल किया है तो मार दीजिए अपनी रानी को, मार दीजिए, मारिए कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप की जय, 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 मारिए कुंवर जगमाल, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, मारिए कुंवर जगमाल, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, मारिए कुंवर जगमाल, कुंवर प्रताप की जय, 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 मारिए कुंवर जगमाल, कुंवर प्रताप की जय, मारिए कुंवर जगमाल, कुंवर प्रताप की जय, मारिए कुंवर जगमाल, कुंवर प्रताप की जय। कैसा स्वर था? हमें लग रहा है बंदूक की आवाज थी। एक लिंग जी, ताजीराज ठीक हो? ये क्या कह रहे हैं आप? अब यही कक्ष में रहिए, हम भी आते हैं। हम भी आपके साथ आएंगे। चलिए। चला दी, और यदि तुरंत ही आप नहीं मरी ना तो हम फिर से चलाएंगे आप पे बंदूक। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, देखिए हम अभी उठेंगे, एक एक दूसरे पे देखेंगे, उसके नहीं मारे, उसके नहीं मारे। क्योंकि आप सदा के लिए अपनी चीर निंद्रा में डूबने वाली। ऐसे नहीं बोलते, अरे रानी माँ, कोई जगमाल, नहीं तो आप फिर से बंदूक चला देंगे आप पे। कोई जगमाल, कोई जगमाल,
कुंवर प्रताप शीघ्र चलिए जाते देख लीजिए दादी राज ठीक हो अभी अभी हमने कोई भयानक आइए अब आपकी बारी मान नहीं रुको अब तो तुम्हारी बारी है बहुत आनंद आएगा मान रुको रानी माँ की बात सुनो दूसरी बार वही स्वर रानीमा छोड़िया में वन हमें जाने दीजिए अभी हमें सबको मौत के घाट उतारना है छोड़ दीजिए हमें छोड़िए वन मान दाजी आप रानी मां मान मान भाग रही है बहन मान आज तो आपका मृत्यु दिवस है तो फिर क्यों भाग रही है इस सच से देखिए अपने दादा भाई के लिए एक घड़ी और कठिन मत कीजिए हंसते हंसते लगा लीजिए मृत्यु को अपने गले और वैसे भी आज तो सबका मृत्यु दिवस है आप अकेली थोड़ी ना मर रही है ना मान 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 दरवाजा खोलिए मान 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 ये कैसा बचपना है मान अपने दादा भाई पे थोड़ी तो दया कीजिए एक एक अर्थहीन जान ही तो मांग रहा है ना आपसे खोलिए ना द्वार मान हमारा विश्वास कीजिए आपको आपको रानी माँ की तरह भी पीड़ा से छटपटाना नहीं पड़ेगा मान मान दरवाजा खोलिए मान मान खोलिए ना मान दरवाजा खोलिए ना मान 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 खोलिए द्वार मान ये कौन आ रहा है हमारी प्यारी बहना लगता है आपसे पहले हमें एक और शिकार मिल रहा है लेकिन आप घबराना मत क्योंकि हम शीघ्र ही आएंगे आपके पास वापस
जाके चांद अरमान को देखे, तब तुम दादाजी को देखते, जाइए। दादा भाई, भाई, हे एकलिंग जी, न जाने किसे गोली लगी होगी। से जानते हैं कोई तो है, कौन है? कौन जगमाल? अब यहां क्या कर रहे हैं? कौन जगमाल? अब यहां क्या कर रहे हैं? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई, अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना दादा भाई, तब से हम यही छुपके बैठे। बहुत डर लग रहा है। अब सुरक्षित है, अब यही रुकिए, हम दाजी आज को देख कर आते हैं। हाँ दादा भाई, यही रुकिए। दादा भाई इससे पहले कि हम संकट में पड़ जाए, हमें शीघ्र इस बंदूक को कहीं छुपाना होगा। सिपाहियों, कहाँ है सारे सुरक्षाकर्मी? कहाँ है? राजी के निजी सुरक्षाकर्मी यहां उपस्थित क्यों नहीं थे? इस समय उनका कक्ष इतना असुरक्षित क्यों है, जबकि रात के इस समय सर्वाधिक सतर्क सुरक्षा होनी चाहिए थी? उत्तर दीजिए हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आने पर आप सभी आए? चुप क्यों है आप? उत्तर दीजिए हमारा। बाबूजी राज मेवाड़ नाथ ग्वालियर से आए अतिथियों के साथ कुंभलगढ़ गए हैं। एकलिंग जी और राहुल जी कहाँ है? वो भी उनके साथ कुंभलगढ़ गए हैं। दादा भाई, दादा भाई, मैं बचा हूँ। दादा भाई, बताओ, शीघ्र बुलाइए, जाइए, मोर। इतने निकट थे अपने लक्ष्य से, इतने, फिर भी गोली नहीं चली हमसे। थरथरी उठ गई थी पूरे बदन में, पता नहीं क्यों हाथ कांपने लगे हमारे।
अपना भाई का घोड़ा चढ़ा के रख दिया हमें, प्राण ही निकाल लिए थे हमारे। मान बात क्या मान, आप ठीक तो हैं भाई, आपको कुछ हुआ था? हम बिल्कुल ठीक है, बात क्या है, क्या हुआ मान, बताइए हमें, इतनी घबराए भी क्यों हैं आप? अब आपकी बारी मान। मान कुछ कुछ दादा भाई। मान कैसे कोई बात नहीं है, आप अपने कक्ष में थर थर कांप रही थी। हमने बंदूक की गोली का स्वर सुना था, इसलिए अब बहुत भयभीत हो गए। पर अब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है दादा, गोले लगे हैं। छोटी माँ तो कुलदीप जी की दर्शन यात्रा के लिए गई है ना? नहीं भाभी, छोटी माँ हमारे 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 नाते। कहाँ है रानी माँ? दादा भाई जगमाल के कक्ष। हमेशा नहीं कर सकते। आपकी गलती नहीं है बेटा, हम गलती हो गई। नहीं रानी माँ नहीं, ये हमारी गलती है। हमें नहीं पता था कि इस महल में आपका भी कोई हायत हो सकता। कुछ नहीं होगा आपको। हमारी आवश्यकता है कुंवर प्रताप, हम मरना नहीं चाहते। नहीं रानी माँ, कुछ नहीं होगा आपको। हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा। छोटी माँ, छोटी माँ, मान जाके बैठ जी को बुला लाइए। हम मरना नहीं चाहते। हमने कहा जाके बैठ जी को बुला लाइए, जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। हमें इनके रथ के भाव को रोकना है। हम चाहते हैं वैजी को बुलाने। नहीं आता है, अभी नहीं रही है। परंतु कुंवर प्रताप, इनकी प्राथमिक चिकित्सा अगर स्वयं कर ले तो उचित होगा, क्योंकि हम हमारे हाथ तो कांपने वाले। अजब दे, आप जाके एक स्वच्छ वस्त्र लाइए। कुछ नहीं होगा रानी माँ आपको, कुछ नहीं होगा। अनमा कुछ नहीं होगा आपको, अब है ना। अजब दे, आपको इनके रथ के भाव को रोकना है। जब तक वैजी नहीं आ जाते हमें कुछ से कुछ तो करना ही होगा। आइए आइए, औषधि कहाँ है? ये क्या कर रही हैं आप? आपको इनके रक्त के बहाव को रोकना है। जब दे, क्या कर रही हैं? रक्त के बहाव को रोकना है। रानी माँ कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। जब दे, ये लीजिए स्वच्छ वस्त्र। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, क्या हो गया रानी माँ? दादा भाई, दादा भाई, रानी माँ नहीं बचेगी ना दादा भाई। अब स्तब्ध हैं, हम सब भी हैं। ये दुरानी माँ को कुछ नहीं होगा। दादा भाई, कुछ नहीं होगा रानी माँ को। दादा भाई,
तब तो हम तब होंगे जब ये स्त्री सच बोलने के लिए जीवित बचेगी। ये सब लोग छोड़ क्यों नहीं देते इन्हें चुपचाप मरने के लिए। दादा भाई कुछ कीजिए दादा भाई क्या हो गया रानी भाई? दादा भाई क्या हो गया? दादा भाई रानी भाई क्या हो गया? दादा भाई रानी भाई को दादा भाई बचा लीजिए। तू बेहतर ये नहीं हमारी रानी मगनी बच्ची हमारी रानी माँ को बचा लीजिए। हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि आप सब बाहर जाइए। चलिए यहाँ से वैद्य जी को अपना काम करने दीजिए। चलिए यहाँ से क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं आपकी सहायता के लिए? हाँ जी प्रताप के राज्य अभिषेक के लिए नहीं रुका जाता। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप हमारे सैनिकों ने केवल महल के बाहर ही नहीं अभी तो आसपास के समूचे क्षेत्र में बड़ी ही सूक्ष्मता से छानबीन की। किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर संभावित शत्रु के महल में आने का कोई संकेत नहीं मिला हमें। किंतु बंदूक जैसा नवीन और असाधारण हथियार इस महल के अंदर आया कैसे? और वो भी हमारे भाई जगमाल के कक्ष में। मान, मान। क्या आपने देखा किसने गोली चलाई? क्या आपने देखा किसने गोली चलाई? भाई जगमाल से प्यार करते हैं इसलिए हम आपको सच नहीं बता सकते। पता आपको जो करना है आप कीजिए किंतु पता लगाइए कि बंदूक जैसा हथियार इस महल के अंदर आया कैसे। हमारी सलाह है कि आपको जिससे भी जो कुछ पूछना हो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। फिर चाहे वो जो कोई भी हो शीघ्र पता लगाइए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने हमारी रानी मां पर गोली चलाई। हुकुम। अजब थे अब कैसी है हमारी रानी मां? ठीक है ना? ये वो गोली है जो छोटी मां के कंधे पे लगी थी। सौभाग्य से उनका हृदय बच गया है। उनके शरीर से बहुत रक्त भी बह चुका है। वैद्य जी ने कहा है कि इस समय कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। वैद्य जी जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। हम जानते हैं हमारी रानी माँ को कुछ नहीं होगा। अब रानी मां नहीं बचेगी ना। हमें छोड़ के जा रही है ना हमेशा हमेशा के लिए। आप इतनी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी ने अभी हार नहीं मानी है वे प्रयास कर रहे हैं ना। अब सांस रखिए चलिए। नहीं मत
तो समझो कहीं, यदि आपको जीवित रहना है तो अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? मरना नहीं चाहते कुंवर प्रताप, हमें बचा लीजिए। सौगंध है आपकी रानी माँ, जिसने भी आप पर ये कायरतापूर्ण आक्रमण किया है ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके, वो हमसे बच नहीं पाएगा, चाहे वो पाताल लोक में भी हो, हम उसे वहां से निकाल कर लाएंगे। ये वचन है आपसे रानी मां, आपके पुत्र का। चेता के समय में हमें क्यों बुला रहा है, क्या बात हो सकती है? चेतक, चेतक बात क्या है, आपने हमें इस समय क्यों बुलाया? रानी मां बहुत अस्वस्थ है और सबसे पूर्व हमें यह पता लगाना है कि यह कायरतापूर्ण कार्य महल में किया किसने। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हमें इस समय पेड़ पौधे दिखाने के लिए लाए हैं, आप कहना क्या चाहते हैं हमसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये बंदूक महल में छिपाई गई है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये कार्य किसी अंदर वाले ने किया है। प्रश्न ये उठता है कि किसी ने इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं, किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? चेतक, यदि मान जानती थी कि रानी मां को गोली लगी है तो उसने उनकी सहायता क्यों नहीं की? मान को कैसे पता चला कि इस हथियार को बंदूक कहते हैं? इसका अस्तित्व सेना के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसके बारे में हमसे किसी और ने भी कुछ कहा था, कौन था वो? दादा भाई, दादा भाई, हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई, अभी अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई, तब से हम यही छुपके बैठे। इस बंदूक के बारे में तो और सिर्फ जगमाल ही जानते थे। शांत शांत चेतक, रानी माँ विश्राम कर रही है, हमें शांतिपूर्वक पता लगाना होगा कि यहां चल क्या रहा है। मान को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा जैसे उन्होंने रानी माँ को स्थिति में पहली बार ना देखा हो, जैसे वो पहले उन्हें देख चुकी हो? क्या हुआ मान, बात क्या है? कुछ दादा, मैं रानी माँ को गोली लगी
ये कहने में वो इतना समय क्यों लगा रही थी? मानो उन्हें कुछ पता हो किंतु वे छिपा रही हो। पर ऐसा क्या था कि जानने के बाद भी वे हमसे छिपा रही थी? मान 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 स्थान पर हमें कुछ लगा था, पर क्या लगा था? और जगमाल आप यहां क्या कर रहे हैं? दादा भाई हमें बहुत डर लग रहा है। दादा भाई अभी हमने एक बहुत तेज स्वर सुना। दादा भाई तब से हम यही छुप के बैठे। हमें बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप यही रुके, हम राजराज को देख आते हैं। यही रहिए आप सुरक्षित हैं। जगमोहन को कैसे पता चला कि जो तीव्र स्वर था वो बोली का स्वर था?